राजीव सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। अलीगढ़ में ड्यूटी टाइम में मोबाइल पर बज रहे गाने का विरोध करना एएमयू के तिलिया कॉलेज में तैनात बाबू को पड़ा मांगा। संविदा कर्मी ने बाबू के साथ जमकर मारपीट की है। मारपीट के दौरान बाबू गिरा छत से, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रशासन के आला अफसर मौके पर। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तस्वीर महल चौराहे के पास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अजमल खान तिबिया कॉलेज में लीव वैकेंसी पर कार्यरत कर्मी ने कॉलेज के ही स्थायी कर्मचारी के साथ मारपीट करने के करीब 20 फीट ऊंची छत से फेंक दिया। पीड़ित कर्मचारी के पैर की हड्डी कई जगह से फ्रैक्चर हो गई है। सिर, हाथ एवं चेहरे पर भी गंभीर चोट आई है। जेएन मेडिकल कॉलेज में घायल कर्मचारी का उपचार चल रहा है। पीड़ित कर्मचारी इकबाल गनी की तहरीर पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी मोहम्मद इमरान के खिलाफ नामजद एवं उसके दो अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 6 तारीख को मैं अपने डिपार्टमेंट गया था तो मुझे कुछ स्टूडेंट एमडी के थे, उनके अटेंडेंस और बनानी थी, तो उनके सीएल की एप्लीकेशन बारे में ट्रेस कर रहा था। तो मेरे बराबर सीट के वो हमारे लीव वैकेंसी में अपॉइंट किए गए हैं मोहम्मद इमरान। तो वो जो हमारे यहाँ शाहिना हमीद मैडम है वो छुट्टी में चली गई हैं वैदर, उनकी जगह उनको अपॉइंट किया गया है। वो आगे मेरे बराबर बैठ गए, अपने मोबाइल खोल के गाने वाने सुन रहे थे या कुछ भी कर रहे थे उसमें या फिल्म देख रहे थे। मुझे डिस्टर्ब हो रहा था, कोई मैंने कहा 3-4 बार मैंने कहा, मैंने कहा भाई आप यहाँ से हटिया में बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मैं लड़कों की अटेंडेंस भेज दी है। तो नहीं हटे वो, तो जब उतन क्या मूड आया उनको, वो हट के चले गए। अब फिर वो आ गए और फिर बैठ गए आके, फिर उन्होंने फिल्म चला ली। फिर मैंने उनसे ये कहा, फिर मुझसे वो बोले तुम कौन सा काम कर रहे हो, तो मैं मोबाइल देख रहा हूँ। मैंने कहा भाई मोबाइल नहीं देख रहा, मोबाइल तो मैं 8 बजे मैंने कुछ मैसेज चेक किए थे, अदरवाइज मोबाइल नहीं देख रहा, और भी ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मैसेज वगैरह आते रहते हैं। मैंने कहा भाई मैं मोबाइल में काम के ऑफिस की काम पे ऑफिस के ही काम करता हूँ और फालतू काम नहीं करता, मुझे इतना शौक भी नहीं गाने सुन लिया। हाँ वो इमरान है, मोहम्मद इमरान लीव वैकेंसी पे है, ये 30 दिन की लीव वैकेंसी उस पर अपॉइंट हुआ। तो आपकी कहाँ सुनी के बाद उन्होंने आपको ऊपर से धक्का दिया? नहीं नहीं ऊपर से धक्का नहीं दिया, ये तो 6 तारीख की बात है भाई। ये उठे तो 3-4 बार फिर मैंने दोबारा कहा, ये मुझसे बोले बड़े बाबू तो बहुत दिमाग खराब हो गए तेरे, और ये कहती मेरे गुस्सा मार दिया उन्होंने, मेरे यहाँ पर गुस्सा लगा और मेरी आँखों में इसका असर हुआ, लाल आँख हो गई, देखिए यहाँ चोट भी लगी हुई है, फिर यहाँ गुस्सा मारा, फिर गुस्सा का लात गुस्सा करने लगे, फाइटिंग करने लगे। इसको लेकर आपने कोई एफआईआर या कोई? हाँ मैंने एफआईआर चेयरमैन साहब को उसी दिन दी और मैंने पूरी कंप्लेंट उनकी लिखित दी। खैर मतलब कि चेयरमैन साहब उल्टा मुझे ही वो करने लगे कि तुम्हारा ये है तुम्हारा वो है, क्योंकि चेयरमैन साहब के घर में ये दूध देता है। तो चेयरमैन साहब, मैंने कहा सर ये आदमी सही नहीं है, आज मेरे साथ किए कल किसी और के साथ में कर देगा। तो 7 तारीख को फिर मैं सुबह गया तो ये बैठे हुए थे मेरी ऑफिस में, फिर मतलब कि मैंने उनसे कहा चोट कहाँ कहाँ आई? मेरे चोट तो उस दिन 6 तारीख को तो मेरे पूरे इसमें आए थे, मेरे पैर पे चोट आई थी, पैर में तो घुसे लात घुसे मारे। कंप्लेंट कर दी आपने? हाँ वो कंप्लेंट हो तो गई है। ये 7 तारीख को फिर उन्होंने मेरे साथ हरकत की कि ये रोड उठा लाए स्टील की और मुझसे बोले तू जानता है मेरे चेयरमैन कुछ नहीं करता, मैं इसका दूध देता हूँ। ये 4 बजे का वाक्य है। सर सिविल लाइन में एक युवक को छत से फेंक दिया, सर क्या प्रॉब्लम? ये देखिए बेसिकली एम्प्लॉइज थे टीविया कॉलेज के, तो इन्हीं एम्प्लॉइज के बीच में जो है रात को कुछ विवाद हुआ था, उसी विवाद के चलते हुए एक एम्प्लॉय ने छत पे जब रॉड निकाली तो दूसरे आदमी ने अपने आप को बचाव करने के कारण उसको धक्का दे दिया, तो वो उसमें छत से गिर गया। वो अभी मेडिकल कॉलेज में है, उसका खतरे से बाहर है, आउट ऑफ डेंजर है, ऐसा कोई खतरा नहीं है। और इसमें जो है 307 का 323 325 307 का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, और इसमें जो इमरान नाम का व्यक्ति है जिसने धक्का दिया था उसकी गिरफ्तारी ऑलरेडी अरेस्ट हम अलीगढ़ से अजय कुमार की खास रिपोर्ट।